हेलो एवरीवन। सो आज हमारा 9th लेक्चर है एचटीएमएल एंड सीएसएस का, और आज हम पढ़ेंगे एचटीएमएल फॉर्म्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे सर्च करूँगा एचटीएमएल W3 स्कूल्स। कल हमने पढ़ा था फॉर्म्स के बारे में, बट उसमें से फॉर्म एट्रीब्यूट्स और इनपुट एट्रीब्यूट्स जो है वो हमने नहीं पढ़े थे, उसको हम आज देख लेते हैं। सो मैं यहाँ से जाऊँगा इनपुट एट्रीब्यूट्स में। अच्छा, फर्स्ट एट्रीब्यूट जो है वो है वैल्यू। ये मैंने आपको कल बताया था, किसी भी इनपुट को आपने वैल्यू देनी है, इसके लिए आप यूज़ करते हो वैल्यू के एट्रीब्यूट का। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखा हुआ है, चाहते हैं कि बाई डिफॉल्ट यहाँ पे जोन लिखा है, तो जब भी मैं इसको यहाँ पे रन कर रहा हूँ, यहाँ पे बाई डिफॉल्ट क्या आ रहा है, जोन लिखा आ रहा है। ठीक हो गया। ये बेसिकली किस लिए यूज़ किया जाता है, वैल्यू देने के लिए। और ये आप हर इनपुट टैग्स के ऊपर यूज़ कर सकते हो, मतलब इनपुट टाइप को पासवर्ड पर भी यूज़ कर सकते हो, इनपुट टाइप को ई मेल पर भी यूज़ कर सकते हो, मतलब जितनी भी इनपुट टाइप्स हैं। जस्ट लाइक कल हमने इनपुट टाइप के टू कलर, उसमें भी हमने वैल्यू के थ्रू ही कलर कोड दे के रेड कलर वहाँ पर सेट किया। ये मैंने आपको कहीं बताया था। हाँ, तो पहले ही लिखने के लिए अगर आप चाहते हो, कभी भी ऐसा सिनेरियो कि जहाँ पे आप जाते हो कभी पहले से लिखा है, मैंने आपको कल बताया था कि फॉर एग्जांपल अक्सर वेबसाइट में होती है ऑप्शन, ये देखो अगर मैं इधर ही सेटिंग्स में चला जाता हूँ, मैं अभी वेबसाइट की एग्जाम्पल तो नहीं दे रहा। वेबसाइट में भी ये है कि अगर आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट करते हो, वहाँ पर भी अक्सर बाद आपका डाटा जो पहले का होता है वो लिखा आता है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं ऑटोफिल में जाता हूँ, यहाँ पे देखो पहले से सेव है, यहाँ पे मैं चेंज भी कर सकता हूँ, बट वो पहले से यहाँ पे लिखे आ रहे हैं। ठीक है, सो ये क्यों लिखे आ रहे हैं, क्योंकि मैं इसको एडिट कर लूँगा बाद में, मुझे ये वाली चीज़ दोबारा से नहीं लिखनी पड़ेगी। सो ओवर वैल्यू आप दे सकते हो। क्लियर, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नहीं, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसको। रीड ओनली का एट्रीब्यूट है, क्या है रीड ओनली, नाम से क्या जाहिर है, सिर्फ पढ़ सकते हैं। तो इट मीन्स के आप किसी भी इनपुट के अंदर अगर वैल्यू दे देते हो जो ऑन जिस लाइक यहाँ पर लिखा है, और उसको रीड ओनली कर देते हो, तो आप मैं इस पर क्लिक तो कर सकता हूँ लेकिन लिख कुछ भी नहीं सकता, ना ही मैं इसको अरेज कर सकता हूँ, सिर्फ इसको मैं रीड कर सकता हूँ, राइट नहीं कर सकता। अच्छा, आगे है डिसेबल्ड, क्या मतलब है इसे, ख़त्म करना मतलब नहीं होता, डिसेबल का मतलब होता है हाँ मंसूख करना, ये गल। बहरहाल यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये फील्ड को डिसेबल किया गया है, और ये जो है सिर्फ यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है उसको हम पढ़ सकते हैं, उसको हम एडिट नहीं कर सकते। अब इसका और जो हमने पहले रीड ओनली किया, दोनों का तकरीबन सेम ही काम है, लेकिन कलर तो चेंज हुआ है, लेकिन इन दोनों में एक और फ़र्क है, वो ये है कि जब आप PHP करोगे तो ये वाला जो रीड ओनली है, रीड ओनली जब ये फॉर्म सबमिट होगा, आपने जिस भी इनपुट के ऊपर रीड ओनली दिया हुआ है, इसके अंदर जो भी वैल्यू है वो पीछे सर्वर के ऊपर सेंड करेगा। ठीक है, लेकिन डिसेबल्ड की वैल्यू को हम गेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो बहरहाल ये इनमें डिफरेंस है। आगे चलते हैं। हाँ, ये PHP के अंदर जब आप काम करोगे ना, इसके आपको आइडिया हो जाएगा। बहरहाल आगे हमारे पास एक एट्रीब्यूट मौजूद है साइज़ के नाम से। किसी भी इनपुट के ऊपर हम साइज़ दे सकते हैं, ये बहरहाल बहुत कम यूज़ किया जाता है, इसकी जगह पे आप CSS की वेथ एंड हाइट वगैरह का यूज़ करते हैं। अच्छा, साइज में अगर मैं आता हूँ, साइज यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो क्या हुआ है, जो बॉक्स है उसकी वेथ कम हो गई है, कम हो गई है ना। अच्छा ठीक है, इसका साइज 50 दिया हुआ है। हाँ, इसका साइज 50 दिया है, तो इसकी वेथ ज़्यादा हो गई है, साइज सिर्फ वेथ के लिए। हाँ, ये कौन सा टैग है, इसका नाम क्या है, साइज़। हाँ, सिर्फ साइज़ वेट चीज़ में इंक्रीज होगी। अच्छा, मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम लेंथ बेसिकली क्या करता है, आप किसी भी चीज़ में ये डिफाइन कर सकते हो, जस्ट लाइक पिन कोड है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पिन कोड। अब इससे फ़र्ज़ कर लो कि भाई बैंक का पिन कोड है, तो पिन कोड के अंदर अक्सर का 4 डिजिट्स ही होते हैं, तो मैं यहाँ पे अलाउ करना चाहता हूँ कि यूज़र 4 से ज़्यादा डिजिट्स ना लिख पाए, अभी जब मैं नहीं ना लिख पा रहा हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ कितनी दी हुई है, 4। तो इसके लिए आप कौन सा वर्ड यूज़ करते हो, मैक्स लेंथ। क्लियर है। अच्छा, ये उसने टेक्स्ट पे आईडी दी है, आईडी का मतलब इसका पासवर्ड दे सकते हैं इसको, मतलब ये पिन है ना, तो पिन को उसने पिन दे दिया, ठीक है, इसी वजह से नंबरिंग शो हो रही है, अगर हम इसको पासवर्ड दे तो फिर नंबरिंग शो नहीं होती है ना। ऐसे ही ये पिन आईडी उसने दी है, टाइप स्टेट इसकी टेक्स्ट। अच्छा, आगे चलते हैं।
मिनिमम एंड मैक्सिमम ये यूज़ किया जाता है इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर के ऊपर या डेट वगैरह के ऊपर, ठीक है। जस्ट लाइक इन्होंने ये कौन सी इनपुट यूज़ की है, डेट, ठीक है। उसमें उन्होंने मैक्सिमम डिफाइन कर दिया 1979 1231, तो इससे अगले जितने भी इनपुट होंगी वो मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगा। अब आप देख रहे हो ये हमें दिसंबर 1979 भी ले गया, ठीक है। इससे अगली जितनी भी इनपुट्स हैं वो डिसेबल्ड हैं, इससे ऊपर मैं सेलेक्ट नहीं कर सकता। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसी तरह हमने यहाँ पर मिनिमम डिफाइन किया हुआ है 2001 और 2, मतलब कि दो तारीख पहला मंथ और 2000 इस डेट तक मिनिमम होगी। अगर हम पीछे जाना चाहते हैं तो मैं इससे पीछे नहीं जा पाऊँगा, मतलब अगर आप देखोगे तो 1979 तो पीछे नहीं जा सकते, 2001 से पीछे नहीं जा सकते। फर्ज कर मैं यहाँ चला जाता हूँ, ये इधर 2000 जनवरी में चला जाता हूँ, सॉरी 2000 लिखा हुआ है ना कि 2001। पर ये है कि इससे अभी देखो दो लिखा हुआ है ना, आप देख रहे हो वन को मैं सिलेक्ट नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो ये है मिनिमम। अच्छा इसी तरह जो अक्सर बात हमें ये चीज़ अप्लाई करना होती है कि यूजर सिर्फ इतनी डेट से ही सिलेक्ट कर पाए तो दैन इसके लिए हम हाँ उस सूरत में भी हो सकता है। फर्ज करो हम चाहते हैं कि भाई 18 साल से कम हमारी वेबसाइट में रजिस्टर ना कर पाए या इतने साल से कम हमारी वेबसाइट में, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, सिंपली यहाँ पे 18 साल पहले की डेट अप्लाई कर दो, उससे वो मिनिमम वो रिक्वायर हो जाएगी। और हम चाहते हैं हमारी वेबसाइट में 50 साल से ऊपर कोई बाबा एंटर ना हो, तो उसके लिए हम चेक लगा सकते हैं, ठीक है। बहर ये नेक्स्ट आगे आ जाती है इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर। टाइप इक्वल टू नंबर मैंने आपको कल बताया था नंबर लिखने के लिए यूज़ की जाती है, इसके साथ ये भी एरो भी आ जाता है और इसमें हम खुद भी लिख सकते हैं। इंग्लिश इसमें नहीं लिखते, लिख सकते करेक्टर्स, सिर्फ नंबर आते हैं नंबर लिखने के लिए, सिर्फ जहाँ पर भी नंबर आपने लेने हैं किसी भी काम नंबर। हाँ क्वान्टिटी अमाउंट या कोई भी नंबर लेते हैं अकाउंट से ले सकते हो, ठीक है। बहरहाल इसमें उन्होंने मिनिमम लगाया है 1, मैक्सिमम लगाया है 5, तो मैं आप मिनिमम 1 से नीचे नहीं आ सकता, देख रहे हो, 5 से ऊपर मैं नहीं जा पाऊँगा। अगर मैं खुद भी यहाँ पर लिखूँगा 6, सब ऊपर जो होगा वैल्यू मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू 5, क्लियर है। अगर यहाँ मैं -6 भी कर देता हूँ तो वो कहेगा वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। इसमें लगी इस चीज़ की छोटी छोटी चीज़ें, इतना कोई लंबा छोटा काम नहीं है। अच्छा कल आपने पढ़ी थी इनपुट टाइप इक्वल्स टू फाइल, पर मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ। इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, इससे क्या हो रहा है, ये हमारे पास ऑप्शन आ रही है फाइल चूज़ करने की, ये हमारा वो ओपन कर देगा गैलरी वगैरह या जो भी आपका होगा ये ओपन कर देगा, वहाँ से कोई भी फाइल जो है वो चूज़ कर सकते हो, ठीक है। पर एक टाइम में एक ही कर सकते हो, अगर आप चाहते हो इसको भी करना है, इसको भी करना है, इसको भी करना है। अब आप मैं कंट्रोल भी दबाया हुआ है लेकिन फिर भी आप देख रहे हो मल्टीपल सिलेक्ट नहीं हो रही, ठीक है। कंट्रोल एन से कंट्रोल से ही होता है, कंट्रोल जी कर रहा हूँ यहाँ पे मल्टीपल का आप लगाओगे, मल्टीपल का एट्रीब्यूट दोगे, इससे क्या होगा। अब देखो अब आ रहा है चूज फाइल्स, पहले आ रहा था चूज फाइल, अब क्या है कि अब हम मल्टीपल फाइल दे दें, कंट्रोल दबाया डिफरेंट फाइल्स में सिलेक्ट कर रहा हूँ, ओपन किया ये आ रहा चार फाइल्स सिलेक्ट की, ठीक है। तो मल्टीपल का एट्रीब्यूट हम यूज़ करते हैं इस काम के लिए। अच्छा आगे चलते हैं पैटर्न, पैटर्न हमने कल यूज़ किया था कंट्री कोड के लिए याद होगा, ठीक है। कैसे यूज़ किया था हमने यहाँ पे वो बता दिया था कि प्लस 92, ठीक है, 3, इसके बाद इतने करेक्टर आएंगे 0 से लेके, अभी इतने ए से लेके जी और ए से लेके जी लिखा हुआ है, ये देखो 0 से लेके 9 तक आएंगे, मतलब इसके दरमियान होगा कि करेक्टर या 1 होगा या 2 होगा, और कितने करेक्टर होंगे 9 करेक्टर, ठीक है। तो रन किया था तो वो फिर उसी पैटर्न को फॉलो कर रहा था। अच्छा इसी तरह से आप जिस तरह जो लिखा हुआ था उस तरह भी आप लिख सकते हो, देखो ए से लेके जी तक ये कैपिटल में लिखा हुआ था, इसका मतलब ए से जी के दरमियान जितने भी अल्फाबेट्स हैं सारे आएंगे वो आ सकते हैं, ठीक है। और ये छोटा ए से लेके छोटे जी तक जितने हैं वो भी आ सकते हैं, और कितने आएंगे ये 3। तो अगर मैं यहाँ पर 4 या 5 करेक्टर्स लिखूँगा तो वो काम नहीं करेगा, एक मिनट इन्होंने रिक्वायर्ड नहीं लगाया हुआ मुझे यहाँ पे रिक्वायर्ड लगाऊंगा तो फिर वो काम करेगा। अभी देखो प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, ये मैं 4 यहाँ पे एंटर करता हूँ, प्लीज़ मैच द सबमिटेड कमेंट,
अब मैं 3 एंटर करता हूँ फिर भी वो कह रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे ए से जी या इंग्लिश तो लिख नहीं सकते कि अच्छा लिख लिया इंग्लिश के लिए किया अच्छा प्लेस होल्डर का एट्रीब्यूट कल आपने पढ़ा था किस काम के लिए यूज़ किया था जैसा कि हल्का सा पीछे लिखा जाता है प्लस प्लेस होल्डर से जब आप लिखते हो तो वो पीछे से रिमूव होता है अच्छा आगे चलते हैं रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट किस लिए यूज़ किया जाता है अभी थोड़ी देर पहले आपने किया ऐसे अच्छा इनपुट टाइप इक्वल्स टू पॉइंट्स क्या लिखा हुआ है पॉइंट रन पे क्लिक कर रहा हूँ सबमिट पे क्लिक करूँगा जो भी है यार उसका नाम टाइप नंबर है टाइप इसकी चेक करो अच्छा रिक्वायर्ड कर रहा हूँ सबमिट पर क्लिक करूँगा प्लीज फिल आउट दिस फील्ड मैं यहाँ पे अगर 1 3 लिखता हूँ सबमिट करता हूँ तो क्या हुआ पॉइंट इक्वल्स टू क्या है 3 अगर मैं यहाँ पे 3.5 लिखूँगा और सबमिट करूँगा इसको तो वो क्या कहेगा प्लीज़ एंटर द नियरेस्ट वैल्यू 3 एंटर करो या 4 एंटर करो पॉइंट को समझ नहीं रहा ठीक है तो पॉइंट में कितने पॉइंट्स तक आप वैल्यू देना चाहते हो उसके लिए आप स्टेप डिफाइन कर देते हो मतलब अगर आप चाहते हो पॉइंट्स के बाद 1 डिजिट आए पॉइंट्स के बाद 3 डिजिट आए 4 डिजिट आने चाहिए अच्छा। वो आप डिफाइन कर सकते हो अभी स्टेप के अंदर लिखेंगे हाँ स्टेप के अंदर 3 डिजिट यस आप ये देखना सबमिट वगैरह मैं क्लिक करता हूँ अभी क्या कह रहा है तो अब तो करना चाहिए 3 डिजिट एक मिनट इसको गेन यहाँ से थोड़ा रिलीज कर लेते हैं द इनपुट स्टेप attribute specifies the legal number intervals for an input. minus 10 step I think ये वो उस तरीके से काम कर रहा ठीक हो range of legal values हमें लगती मतलब कि हम step equal to 3 लिखा ना अब 3 वाले ही जो characters हैं उन्हीं को हम use कर सकते हैं 3 6 I think ये scenario है इसका ये उसे कम ही यूज़ किया जाता है 7 की आप वो कह रहे नहीं 6 करो या 9 करो ठीक है अच्छा तो अगर हम यहाँ पे 0.1 भी देते हैं इस तरह से हो सकता है 0.1 अगर हम करते हैं रन पे क्लिक करता हूँ 1 3.5 लिखता हूँ तो आपको वर्क करना चाहिए अब पॉइंट्स भी वर्क कर रहा है क्यों क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टेप क्या दे दिया 0.1 मतलब वो 0 से ऊपर हो तो ये 1 से ऊपर हो मतलब कि 0.1 के जितने मल्टीपल्स होंगे वो चले गए ठीक है ओके सो आगे चलते हैं इसमें ऑटो फोकस क्या करता है देखना हम प्रायोरिटी सर्च पे क्लिक कर रहा हूँ अभी आपने देखा मैंने इस फील्ड के ऊपर क्लिक नहीं किया और इसमें खुद से वो क्लिक हुआ है अगर मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ इसमें रन पे क्लिक कर रहा हूँ नहीं होगा दोबारा कर लेता हूँ लेट मी चेक हमें तो वैसे चाहिए था आई थिंक पेज रिफ्रेश में ना होता रिजल्ट फ्रेम चलो बहरहाल ऑटो फोकस से अभी अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो देखना रन पे क्लिक करता हूँ अभी असल में आई फ्रेम ऐसे ये सही तरीके से काम नहीं कर रहा अभी रन पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे कि मुझे इस पर खुद से क्लिक करूँगा तो फिर इस तरह ये शो करेगा जबकि अब जब ऑटो फोकस लिखा होगा ऑटोमेटिक वो सिलेक्ट हो जाएगा अभी देखो ना मैं रन पे क्लिक कर रहा हूँ नहीं हो रहा उसकी रीज़न ये है कि रिफ्रेश होना चाहिए पेज जब भी पेज रिफ्रेश होगा तो देन क्या होगा कि ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा लगी चीज अच्छा आगे चलते हैं एक मिनट यार अच्छा जी नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है ये काम करेगा इनपुट टाइप इक्वल्स टू इमेज के ऊपर इनपुट टाइप इक्वल टू इमेज का कल आपको बताया था कि जिस तरह IMG का टैग आप ओपन करते हो उसी तरह इनपुट टाइप इक्वल टू इमेज भी ओपन कर सकते हो अगर आप सबमिट का बटन बनाना चाह रहे हो विद आइकॉन जस्ट लाइक दिस ठीक है तो आप इस पर क्लिक करते हो तो ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा क्लियर बहरहाल इसकी अगर आपने विड्थ हाइट देनी है तो इस पर विड्थ और हाइट का एट्रीब्यूट अवेलेबल है जिस तरह से IMG के टैग भी विड्थ और हाइट दे सकते हो तो ये आप लगा सकते हो ठीक है तो ये चीज़ तो वही है वही चीज़ है बस ये बताया गया है कि ये एटीट्यूड भी फॉर्म्स में अवेलेबल होता है ठीक है अच्छा ये चीज़ आपने अभी नहीं पढ़ी ये क्या है इनपुट उन्होंने एक क्रिएट की है इनपुट क्रिएट की है यहाँ पे आप देख रहे हो और लिस्ट इक्वल्स टू क्या रखा है ब्राउज़र अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो नीचे एक डाटा लिस्ट क्रिएट की हुई है ये जो आपने आपके लिए एक न्यू टैग है डाटा लिस्ट आपने पहले ये नहीं पढ़ा ठीक है इसके अंदर जिस तरह पढ़े हैं
इस तरह सेलेक्ट बॉक्स नहीं होता उसके अंदर ऑप्शन आती हैं, उसी तरह यहाँ भी आप देख रहे हो ऑप्शन क्रिएट की गई हैं ऐसे ही है। तो इन ऑप्शन में जो कुछ भी आ रहा है आपके सामने ठीक है, वो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से आ जाएगा ठीक है। अच्छा ये हम टैब में भी ऑप्शन दे दे सकते हैं। हाँ जैसा कि देखो मैं यहाँ पे ऐप फायर लिख रहा हूँ तो वो सिर्फ फायर आ रहा है। ठीक है करो करो कैसे क्लिक किया नहीं इस तरह नहीं है, ये बिल्कुल इसी तरह काम कर रहा है जैसे लाइक मैंने आपको कल बताया था इस पे क्लिक करें तो ये होगा। तो इस तरह काम कर रहा है ना। हाँ अगर एक चीज वेबसाइट पे जो जाना हो आप वो बना सकते हो, खुद बनाना पड़ेगा खुद क्रिएट करना। वो भी इसी चीज से हो सकता है नहीं, वो जेएस वगैरह से हो। मेरा अभी के लिए इस चीज़ का आइडिया हो गया, इसमें हम डाटा लिस्ट देंगे, इसका जो आईडी है वो आप प्रोवाइड करोगे इनपुट की लिस्ट के एट्रीब्यूट के अंदर ठीक है। यहाँ पे लिस्ट इक्वल्स टू ब्राउजर लिखा हुआ है तो ये उसी लिस्ट से वो आपको नीचे जो है वो नहीं मैंने बताया था पीएचपी में आपका यूज होगा, इधर आपको कोई तकलीफ नहीं है ठीक हो गया। अच्छा मेरे आगे चलते हैं ऑटो कम्प्लीट एट्रीब्यूट। अक्सर आपने देखा होगा फॉर्म्स में आप जाते हो ना कोई भी आपका किसी भी वेबसाइट में आपका कोई फॉर्म है आपने उसको ऑटो सेव किया हुआ है, ऑटो सेव किया और अक्सर का आप ऑप्शन कोई ईमेल पासवर्ड लिख के एंटर होते हो लॉगिन होते हो ऑप्शन आ जाती है सेव की, सेव पे क्लिक करते हो अगली दफ़ा वहाँ पे आते हो आपको ईमेल पासवर्ड नहीं लिखना पड़ता वो ऑटोमेटिकली फिल कर देता है ठीक है ना। तो जो ऑटो फिल है अगर आप उसको चाहते हो कि आप ख़त्म करना चाहते हो अपनी वेबसाइट पर कि मेरी वेबसाइट की जो फील्ड हैं वो ऑटो फिल ना हो तो उसके लिए आप क्या करोगे फॉर्म के ऊपर एट्रीब्यूट दोगे। अच्छा फॉर्म के ऊपर इन्होंने एट्रीब्यूट दिया है ऑटो कम्प्लीट ऑन, फॉर्म भी दे सकते हो अगर आप पूरे फॉर्म में चाह रहे हैं, इन्होंने सिर्फ ईमेल चाह रहे हैं कि वो खुद लिखेगा अगला बंदा ईमेल जो है वो ऑटो कम्प्लीट ना हो तो इन्होंने क्या कर दिया ऑटो कम्प्लीट ऑफ इसके ऊपर ऑफ कर दिया है, फॉर्म के ऊपर ऑन कर दिया। अगर फॉर्म के ऊपर ही मैं ऑफ कर देता तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी, पूरे फॉर्म में ही वो खत्म हो जाना था। जब मैं फर्स्ट नेम पे फर्स्ट नेम पे क्लिक कर रहा हूँ तो ऑटो फिल की ऑप्शन आ रही है मेरे पास इस तरह से ठीक है। अब इस पर क्लिक किया अच्छा वो बहरहाल फर्स्ट में हिंदानी ईमेल फुल हो रही है, बहरहाल ईमेल के अंदर इसमें भी ऑप्शन आ रही है वो भी काम कर रहा है ऑटो फिल। असल में ये आई फ्रेम है इसकी थोड़ी सी अलग से प्रॉपर्टीज है, आप वो पेज पे करोगे तो ये काम करेगा अपने वेब पेज पे। अच्छा जी बहरहाल नेक्स्ट अगला एट्रीब्यूट चलते हैं, छोटी छोटी चीज़ें इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। बहरहाल एट्रीब्यूट्स आपके इनपुट वाले ख़त्म हो चुके हैं। अच्छा आगे आपके पास आ जाते हैं फॉर्म एट्रीब्यूट्स जिनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है मैथड एंड एक्शन जो मैंने आपको कल नहीं बताया ठीक है। तो कल आपको याद होगा हमने एक फॉर्म क्रिएट किया था, वो हमने सिंपल यहाँ पे फॉर्म लिखा था एक्शन नहीं था लिखा ऐसे ही है नहीं था ना लिखा एक्शन। पहला ऑप्शन जो है वो है एक्शन का, एक्शन किसने यूज़ किया जाता है देखो जब एक फॉर्म में कोई डाटा एंटर करेगा डाटा एंटर होने के बाद वो डाटा किस पेज पे जाएगा जब वो कोई बंदा सबमिट के बटन पे क्लिक करेगा जो वो वाला पेज है जिसके ऊपर डाटा जाएगा या फॉर्म सबमिट होगा जिस पेज पे उसको हम लिखते हैं एक्शन के अंदर। एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये देखो google.com में आता हूँ, ये आप देख रहे हो URL ये जो यहाँ पे आ रही है टैब इसको मैं ना इंस्पेक्ट करता हूँ, ये एक इनपुट है इसमें आप देखोगे तो लिखा हुआ है इसमें फॉर्म ढूंढते हैं ना पहले इसका फॉर्म किधर है तो सर्च कर लो ऊपर ही होना कहीं पर ये एक मिनट यार मैं इधर google.com खोल लेता हूँ। अच्छा इसका मैं यहाँ से फॉर्म सर्च करता हूँ, ये बेसिकली आप देख रहे हो एक टेक्स्ट एरिया है ठीक है, टेक्स्ट एरिया हमने नहीं पढ़ा ये भी मैं आज आपको बता देता हूँ अभी क्या है प्रेजेंट को बताना चाहिए था इनपुट्स के अंदर। अच्छा ऊपर यहाँ पे चलते हैं तो फॉर्म देखो हाँ ये फॉर्म है इसका एक्शन ने क्या दिया हुआ स्लैश सर्च, तो आप देख रहे हो जब भी मैं यहाँ पे यजान सर्च करता हूँ एंड देन मैं गूगल सर्च पर क्लिक करता हूँ तो ये कहाँ पर जा रहा है स्लैश सर्च पे जा रहा है क्लियर है। अब ये जो बाकी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ये क्या होता है इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो ये देखो जब भी हम एक फॉर्म बनाते हैं उसमें एक नेम लिखते हैं
ठीक है, उसमें क्या देते हैं नेम। मैंने आपको कल बताया था कि नेम के थ्रू ही आप उसकी वैल्यूज को गेट करते हो। हम ऐसा करते हैं, अपनी यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से, एक फॉर्म छोटा सा क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे फॉर्म एक क्रिएट किया, इसके अंदर मैंने लेबल दिया प्लीज़ एंटर नेम, ठीक है। यहाँ पे आके मैंने इसको इनपुट दी और यूजर टाइप को उसको टेक्स्ट दे दी, कितनी समय लगी ना अभी तक। फिर से लेबल दिया प्लीज एंटर ईमेल, अच्छा इनपुट ऐसा करते हैं, हम बटन क्रिएट कर लेते हैं टाइप इक्वल्स टू सबमिट एंड यहाँ पे लिख देता हूँ सबमिट फॉर्म। सो मैं इस फाइल को ओपन कर रहा हूँ, अब आप देखोगे ये फॉर्म हमारे पास क्रिएट हो गया। अच्छा अब क्या है कि मैं यहाँ पे नेम लिखता हूँ यजदान, ईमेल लिखता हूँ कुछ भी, मतलब यजदान @gmail.com। सबमिट फॉर्म पर क्लिक किया, अभी पेज रिफ्रेश भी हुआ है थोड़ा सा हल्का सा, आप देखोगे जो रिफ्रेश हुआ है डाटा उधर क्लिक हो गया। दूसरा यहाँ भी एक क्वेश्चन मार्क पहले नहीं लिखा हुआ है, आ गए यहाँ पे यजदान लिखा, ईमेल लिखी, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क रुका हुआ है। अब एक क्वेश्चन मार्क बेसिकली क्या है उसका मैं बताता हूँ। ये देखो फर्स्ट करो, मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ इसका, ईमेल इसका नेम मैं दे देता हूँ, यूजर नेम नाम दे दिए दोनों फील्ड्स का। अब पीएचपी में हम इनसे कैसे वैल्यूज गेट करते हैं उसको समझने के लिए हमें यही चीज़ देखनी पड़ेगी। ये देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ यजदान है, यहाँ मैं लिखता हूँ यजदान @gmail.com, सबमिट पर क्लिक कर रहा हूँ, ऊपर खाली क्वेश्चन मार्क तो नहीं आया, अब पूरा डाटा आया। क्या है यूजर नेम क्वेश्चन मार्क यूजर नेम इक्वल्स टू यजदान यजदान ईमेल प्लस लिखा हुआ है, जहाँ पे स्पेस आती है ना यूआरएल के अंदर हम उसको प्लस से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये क्या लिखा है एंड ईमेल इक्वल्स टू यजदान, यहाँ पे होगा @ का साइन, उसको उन्होंने लिख दिया %40gmail.com। तो इट मीन्स हमारा जितना भी यहाँ पे फॉर्म में डाटा फिल हुआ था वो किधर चला गया, यू आर एल के अंदर। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, गूगल में भी कुछ ऐसे ही हुआ था, ये जब भी मैंने यहाँ पे यजदान सर्च किया था यजदान, तो गूगल सर्च में क्लिक करता हूँ, इनका एक्शन था स्लैश सर्च, वो कौन से पेज पे चला गया था स्लैश सर्च पे, और वो साथ सारा डाटा भी ले गया था जो मैंने पिछले पेज में लिखा, ठीक है। अब फर्ज करो मैं यहाँ पे अगर हैदर चेंज करता हूँ, इसको हैदर कर देता हूँ, तो नीचे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा क्योंकि ये ऊपर से ही पकड़ के उसको नीचे रिजल्ट्स को करवा रहे हैं। अब समय लगी पी एच पी में हम कैसे डाटा गेट करते हैं फॉर्म्स के थ्रू, समय लगी थोड़ी सी पी एच पी के बाद में बताएंगे, बट ये पता लग गया कि फॉर्म से डाटा कैसे जाता है। अब सुनो अभी जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं यजदान, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यजदान @gmail.com, ये उसी पेज इसी पेज पे आ रहा है, जबकि वो कहाँ पे जा रहा था सर्च वाली पेज। अब इसी पेज पे वो क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इसका एक्शन डिफाइन नहीं किया। अगर आप एक्शन डिफाइन नहीं करते तो वो इसी पेज को एक्शन समझ लेता है, ठीक है। अगर आप इसका एक्शन डिफाइन कर देते हो, फॉर एग्जाम्पल लिंक पे जाएंगे, यहाँ पे एक्शन लिख देता हूँ https/, या मैं खाली यही लिख देता हूँ search.php करके कुछ इस तरह लिख देता हूँ, या सॉरी .html लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जब भी मैं फॉर्म को सबमिट करूँगा ये search.html पे चला जाएगा, क्वेश्चन मार्क यूजर नेम इक्वल्स टू इस पे ले जाएगा, क्लियर होगी। तो डाटा हमारा एक पेज से दूसरे पेज पर भी ट्रांसफर एक्शन से होगा, एक्शन से अगर हम फेसबुक का लिंक लेना है, हाँ, और दूसरा आपने एक और चीज़, हाँ एक और चीज़ नोट की कि नेम के थ्रू सारा डाटा जा रहा है, ईमेल इक्वल्स टू ये है, यूजर नेम इक्वल्स टू ये है, समझ लगी इस चीज़ की। अच्छा अब देखो फर्ज करो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे ना मैं लिख देता हूँ सर्च हेयर, क्या लिख देता हूँ सर्च हेयर, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये जो सबमिट फॉर्म लिखा है इसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर्च, देखते हैं अभी क्या बना, ये आ गया, ठीक है। इसका जो एक्शन है ना मैं देने वाला हूँ https://www.google.com/search। अब जो गूगल की इनपुट थी वो भी इसी जगह पे जा रही थी, डाटा लेके हमारा भी इसी जगह पे जा रहा है, लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस नहीं की, गूगल वाले लेके जा रहे थे क्यू, क्या लेके जा रहे थे क्यू, तो
हम ऐसा करते हैं जो यहाँ पे यूजर नेम दिया है इसको हम चेंज करके नाम रख देते हैं, क्यों मतलब इसका नाम हमने क्या रख दिया, लेकिन जब ये डाटा लेके जाएगा वो तो क्यों के थ्रू पकड़ रहे हैं उसको, उनको तो पता ही नहीं यूजर नेम क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे यूजर नेम लिखूंगा वो तो काम नहीं ना करेगा, तो काम नहीं करेगा वो, तो वापस आपको फ्रंट पे बन जाएगा, ठीक है। वो तो क्यू के थ्रू काम कर रहे हैं, हमें इसका नाम क्या रखना है, क्यू के अंदर डाटा आ रहा है, सर्च वाला, सर्च वाली जो क्वेरी है वो क्यू के अंदर आ रही है, उनको ये पता डिफाइन किया हुआ। ये देखो इंसान ऐसा सर्च करता हूँ, एंड सर्च पे क्लिक करता हूँ, अभी क्या करेगा गूगल पे ले जाएगा वो सात वेरिएबल मिल जाएगा, इसमें लग गई। इस तरीके से काम करते हैं फॉर्म्स। अच्छा अब ये मैंने चीज़ आपको क्यों समझाई, ये मैं आपको पीएचपी में भी समझा सकता था, इधर क्यों समझाई उसकी रीज़न ये है, मुझे आपको बताना था एक तो एक्शन का, इसकी समय लग गई कि जिस पेज पे फॉर्म का डाटा लेके जाना है उस पेज का लिंक आ जाएगा। अगर आप चाहते हो इसी पेज के अंदर आए डाटा तो फिर आप इसके थ्रू करोगे। अच्छा जी इस चीज़ की समय लग गई है, एक्शन एक्शन क्या होता है। अच्छा दूसरा आपको मैं बताने वाला हूँ एक एट्रीब्यूट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है मेथड। वो क्या है मेथड? जब हम इसका मेथड नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट जो मेथड होता है वो होता है गेट। क्या होता है गेट? दो तरह के मेथड होते हैं, या गेट या पोस्ट, या गेट या पोस्ट, ठीक है। पोस्ट अगर देते हैं ना, अब देखना अब मैं अगर फॉर्म सबमिट करता हूँ, अब मैं अगर फॉर्म सबमिट करता हूँ जैसे कि दान है लिखता हूँ सर्च पे क्लिक किया चला तो जाएगा, लेकिन एरर आ रहा है बिकॉज ये पोस्ट की फॉर्म में डाटा लेके आ रहा है, ये गेट की फॉर्म में नहीं लेके आ रहा है। क्या मुराद है इससे? देखो जब भी हमने गेट लिखा इसको, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको दोबारा से गेट कर देता हूँ, तो ये बिल्कुल ठीक काम करेगा जिस तरह ये कर रहा था। आ गया ठीक है, जबकि जब मैंने पोस्ट लिखा तो काम नहीं किया, क्योंकि गेट हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा ऐसा डाटा हो जिसको हम यूआरएल के अंदर शो करवा सकते हैं या शो करवाना चाहते हैं यूआरएल के अंदर, तो फिर हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं गेट का। पोस्ट हम तब यूज़ करते हैं जब हम यूआरएल के अंदर डाटा शो नहीं करवाना चाह रहे। फॉर एग्जांपल लॉगिन पेज, जब भी कोई बंदा आपके फेसबुक पर जाओ आप लॉगिन करो तो क्या आपका यूजर नेम और पासवर्ड ऊपर चला जाएगा यूआरएल में शो होगा? नहीं होगा। तो वो कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? पोस्ट का। वो नज़र नहीं आता फ्रंट पे, बैकएंड पे हम उसको पीएचपी के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो हम जब पीएचपी करेंगे देन देखते हैं। बहरहाल अभी के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि दो तरह के मेथड होते हैं, एक होता है गेट और एक होता है पोस्ट। गेट किस लिए यूज़ किया जाता है? गूगल में जाने के लिए नहीं, यू आर एल के ऊपर डाटा वो लेके जाते हाँ। बहरहाल ये आपका क्लियर है। अच्छा एक चीज़ सुनो, वो ये यहाँ पे इन्होंने एक्शन दे दिया अब जो भी इस फॉर्म के अंदर सबमिट का बटन है, ये जैसे ये बटन है, इस पर क्लिक करने पे क्या होगा? ये वाला फॉर्म किस जगह पे सबमिट होगा? यहाँ पे चला जाएगा एक्शन पेज डॉट पी एच पी। लेकिन मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि दो सबमिट बटन क्रिएट हों, एक सबमिट बटन पे क्लिक करने पे वो एक पेज पे चला जाए, दूसरे सबमिट बटन पे क्लिक करने पे दूसरे पेज पे चला जाए। जबकि एक्शन हम फॉर्म का एक ही दे सकते हैं, एक्शन हम फॉर्म का एक ही दे सकते हैं। अच्छा उसके लिए हमें यूज़ करना फॉर्म एक्शन एट्रीब्यूट। क्या यूज़ करेंगे? फॉर्म एक्शन एट्रीब्यूट। ये देखो अब इन्होंने क्या किया, पहले एक्शन ऊपर डिफाइन कर रहे थे ठीक है, अब इन्होंने दो सबमिट बटन बनाया, एक ये सबमिट बटन एक ये सबमिट बटन। ये सबमिट बटन जिस तरह आमतौर पर बनाते हैं इसके अंदर उन्होंने फॉर्म एक्शन भी डिफाइन किया ठीक है। कहाँ पे सी एस एस? HTML CSS नहीं है, ये एट्रीब्यूट है HTML का। अच्छा देखो इस बटन पे अगर मैं क्लिक करूँगा ना तो वो इस पेज पे जाएगा, क्योंकि वो फॉर्म के अंदर ऐड है और उसको एक्शन पता है कि एक्शन पेज पे जाना है मैंने। जबकि इस सबमिट बटन पे अगर क्लिक करूँगा तो वो इसको फॉलो करेगा ना कि ऊपर वाले एक्शन टू, हाँ वो सारा डाटा इस एक्शन टू वाले पेज पे लेके जाएगा। तो ये एट्रीब्यूट वैसे तो बहुत कम यूज़ किया जाता है, लेकिन स्टिल इसकी आपको जरूरत पड़ सकती है, बहुत कम पड़ती है पर कर सकते हैं ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ की ज़रूरत आपको कम पड़ती है ओके। फॉर्म के एट्रीब्यूट्स पढ़े हैं ठीक है। फॉर्म इनक्रिप्ट, क्या लिखा हुआ है? फॉर्म इनक्रिप्ट। इससे पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, अच्छा देखो फॉर्म
इंक टाइप। इसको समझने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ इंक टाइप का, ये खैर भी आपके काम का नहीं है स्टेट। ये देखो आप क्या करते हो, जब आप इनपुट टाइप इक्वल्स टू फाइल का यूज़ करते हो, इसका यूज़ करते हो फाइल का, पहले ये पढ़ो, ये क्या लिखा हुआ, फॉर्म इंक टाइप एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज हाउ द फॉर्म डेटा शुड बी एनकोडेड व्हेन व्हेन सबमिटेड। ये देखो अभी मैं इसमें आंसर डालता हूँ, मैं यहाँ पे ना एक इनपुट टाइप इक्वल्स टू फाइल ले लेता हूँ, जिली फाइल, ठीक है फाइल। इस फाइल को अगर मैं अपलोड करता हूँ और मैंने पीएचपी का पीछे कोड किया हुआ है, सबमिट पे क्लिक करूँगा तो ये फाइल मुझे एमएस शो करवा देगा कि डाटा एंटर हो गया, लेकिन ये फाइल अपलोड नहीं होगी बैकेंड में, फाइल बैकेंड पे अपलोड नहीं होगी। उसके लिए हमें ये इंक टाइप का मैथड देना लाजमी है। आपने क्या लिखना होता है, इंक टाइप इक्वल्स टू जिस तरह लिखा है बिल्कुल इसी तरह एग्जैक्टली लिखना है, मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डाटा, मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डाटा, ठीक है। बहरहाल अगर आप चाहो कि यहाँ भी लिखना है आप यहाँ भी लिख सकते हो, और वही वाली बात, अगर दो सबमिट बटन, एक पे आप चाह रहे हो फाइल अपलोड ना हो दूसरे पे हो, तो जिस पे आप चाह रहे हो उसके ऊपर आप इस तरीके से फॉर्म इंक टाइप का यूज कर सकते हो, जिस तरह से एक एक्शन था इसी तरह एक एक्शन था और एक था फॉर्म एक्शन, ये एक्शन और ये क्या था फॉर्म एक्शन, तो इसी तरह से एक है इंक टाइप और एक है फॉर्म इंक टाइप। बहरहाल फॉर्म इंक टाइप का कम यूज़ किया जाता है, जिनके साथ भी फॉर्म फॉर्म लिखा हुआ है बहुत कम यूज़ किया जाता है, इंक टाइप का यूज़ किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं फॉर्म मेथड एट्रीब्यूट, ये स्टिल वही चीज़ है, सेम वही चीज़ है, मतलब ऊपर मेथड नहीं दिया हुआ फॉर्म का, गेट या पोस्ट, अगर आप चाहते हो कि वो किसी बटन पर क्लिक करने पर चेंज हो, मतलब सबमिट बटन के ऊपर, जस्ट लाइक दो सबमिट बटन है, एक पे गेट में जाना चाहिए डाटा, एक पे पोस्ट में जाना चाहिए, तो जिसमें वो आप मेथड यहाँ से चेंज कर सकते हो, कहाँ में लिखा हुआ है ये पोस्ट लिखा है, और तो इंक टाइप है, नीचे चलते हैं, ये मेथड इक्वल टू गेट लिखा हुआ है, लेकिन फॉर्म मेथड यहाँ पे सबमिट बटन के अंदर, अब इस पर क्लिक करूँगा तो वो गेट में ही काम करेगा, इस पर क्लिक करूँगा तो पोस्ट में काम करेगा। फॉर्म टारगेट, यहाँ पे हम इसका टारगेट एट्रीब्यूट दे सकते हैं, जिस तरह आप ए टैग भी देते हैं टारगेट इक्वल टू ब्लैंक या टारगेट इक्वल टू पेरेंट या सेल्फ, ठीक है, उसी तरह आप यहाँ पे भी टारगेट इक्वल टू ब्लैंक दे सकते हो, और ये दो बटन वाला सिनेरियो से आ गया फॉर्म टारगेट ब्लैंक, ठीक है। देखो अभी मैं यहाँ पे बैक आता हूँ हमारा वो इधर गया फॉर्म, ये देखो इधर जब मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ ना इसी पेज के अंदर वो ओपन कर रहा है गूगल को, मैं चाहता हूँ एक न्यू पेज पर उसके लिए मैं ब्लैंक कर दूँ, ये देखो ना एक्शन इक्वल्स टू सॉरी टारगेट इक्वल्स टू टारगेट तो उसमें लिखा है ना, बताता हूँ ना कहाँ पे क्यों नहीं लिखा हुआ, ये तुमने सर्च पे क्लिक किया नेक्स्ट, उन्होंने फॉर्म टारगेट लिखा तो हुआ मेरे भाई, ये देखो फॉर्म टारगेट इक्वल्स टू नीचे लिखा बटन से, ठीक है। इसी तरह से फॉर्म नो वैलिडेट, वैलिडेट का मतलब क्या होता है, जिस तरह हम हर चीज़ को रिक्वायर्ड कर देते हैं या वैलिडेशन अप्लाई कर देते हैं जे एस के थ्रू, खैर वैलिडेशन क्या होती है आपको बाद में पता लगेगा, एरर्स वगैरह से इतना कहना कि भाई ये ईमेल रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, हाँ नहीं इस तरह से जैसा ये देखो ये ईमेल लिखा है टाइपिंग टू ईमेल, तो अब ये इसके लिए लाजमी है चेक करेगा कि भाई ये जो इसमें लिखा हो वो ईमेल ही हो, तो ये इट मीन्स के वैलिडेट हो गया जा रहा है फॉर्म, अगर हम इसको चाहते हैं कि वैलिडेट ना हो तो हम ये लिख सकते हैं फॉर्म नो वैलिडेट, इसे जितनी भी चीज़ों में वैलिडेशन लगी होगी वो नहीं लगी। वैलिडेशन कहते हैं जिस तरह ये देखो ईमेल लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे गलत ईमेल का फॉर्मेट लिखूंगा तो ये वैलिडेशन अप्लाई करेगा कि भाई वैलिडेट होगी तो फिर ये काम करेगा। अच्छा, अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं वैलिडेट ना भी लिखूँ तो फिर भी हो जाए तो मुझे फॉर्म नो वैलिडेट का देना है, जैसे इस बटन पर क्लिक करूँगा तो काम करेगा, नो वैलिडेट का भी एट्रीब्यूट उसी काम के लिए यूज़ किया जाता है, फॉर्म नो वैलिडेट का भी उसी काम के लिए यूज़ किया जाता है। सो दैट्स इट फॉर नाउ, अभी ये हमने पढ़ा था फॉर्म्स के बारे में, नेक्स्ट आगे चलें, दो चीज़ें लास्ट कर लो जो भी आज करने वाली हैं, छोटी सी टैग्स हैं क्लियर करते हैं इसको, कल हम सी एस एस में मूव करेंगे, ठीक है। वीडियो टैग है, वीडियो को ओपन करने के लिए यूज़ किया जाता है, एक तो आपको मैंने बताया था यूट्यूब की वीडियो को, वो तो आई फ्रेम के थ्रू थी,
कि वो उनके प्लेटफॉर्म पे होती है वो वीडियो हमारे अपने सर्वर पे पड़ी हुई है, अपनी हमारे सिस्टम पे पड़ी है, उसको चलाना है। वो कैसे चलाओगे? तो उसके लिए आप वीडियो का टैग यूज़ करते हो, इसका टैग यूज़ करते हो वीडियो का। इसी तरह अगर आप ऑडियो चलाना चाहते हो तो उसके लिए आप कौन सा टैग यूज़ करोगे? हाँ अभी देखते हैं कैसे करते हैं। ये देखो नीचे आता हूँ, ट्राई इट योरसेल्फ पे जा रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वीडियो का टैग यहाँ पे ओपन किया गया, यहाँ पे इसको क्लोज किया गया। दरमियान में इसके उन्होंने एक और दिया है टैग नेम, इसका नाम क्या है? सोर्स। इसके अंदर उन्होंने लिखा है SRC। अच्छा मजे की बात, ये जो SRC उन्होंने इस तरीके से दिया है ना, इसको आप कट करके इसको ख़त्म करके यहाँ पे भी लिख सकते थे। ऐसे इनलाइन CSS नहीं है, जैसे इनलाइन CSS होती है स्टाइल के अंदर, ये एट्रीब्यूट है, इसके थ्रू भी आप कर सकते हो। इन्होंने ये इस तरह से क्यों किया है? देखो दो वीडियो लगाने के लिए, दो वीडियो नहीं लगाने के लिए, चल तो ये गिर गया। ये इन्होंने इसलिए किया है क्योंकि देखो दो सोर्स ही हमें, एक ही वीडियो है लेकिन एक का फॉर्मेट है OGG, एक का फॉर्मेट है MP4। तो वो इसलिए उन्होंने दिया हुआ है कि अगर किसी ब्राउज़र में MP4 सपोर्टेड नहीं है तो वो OGG को प्ले कर देगा, अगर OGG सपोर्टेड नहीं है तो MP4 को प्ले कर देगा, अगर दोनों सपोर्टेड नहीं है तो फिर वो ये शो कर देगा योर ब्राउज़र डज नॉट सपोर्ट HTML वीडियो, कि आपका ब्राउज़र सपोर्ट ही नहीं कर रहा वीडियो। समझ लगी? बहरहाल यहाँ पे जो SRC लिखा हुआ है इसके अंदर आप वीडियो का लिंक देते हो और वो काम करने लगता है, जैसे लाइक यू कैन सी। समझ लगी इसी से? इसी तरह से अगर एक वीडियो के बाद एक वीडियो, मतलब ये वीडियो लगाई एक और वीडियो के साथ, वो उसके लिए दोबारा वीडियो टैग, मतलब अभी वीडियो चली फिर सारे चीज़ें। चलो देखो मैं यहाँ से ना ये कॉपी कर रहा हूँ एंड देन मैं इसको सेव कर लेता हूँ, यहाँ पे सेव कर लेता हूँ यहाँ, ठीक है। इसका मैं नाम दे देता हूँ वीडियो, और आप देख सकते हो ये MP4 है ना, तो ये myfile.html है। यहाँ पे आता हूँ मैं वीडियो ओपन करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर वीडियो का टैग लिखूँगा, ठीक है SRC, और इसमें वेट और हाइट वगैरह डिफाइन करनी है तो कर सकते हैं। 400 pixels मैं कर लूँगा, 400 कर दूँगा वेट। सोर्स में मैं दे रहा हूँ क्या नाम रखा उसका, वीडियो MP4। सो अब मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ, हो गई ओपन, लेकिन चल नहीं रही, ठीक है। चलने के लिए पहली बात है आप ये लगा सकते हो एक और इसका एट्रीब्यूट है ऑटो प्ले के नाम से, किस नाम से? ऑटो प्ले, ये भी लगा सकते हो। नहीं चली कटवाया, चलो हमें इसको फिर कंट्रोल्स देने होंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? कंट्रोल्स। इधर आता हूँ रिफ्रेश करता हूँ, अब आप देख रहे हो ये हमारे सामने ये आइकॉन आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ से एक बार जो मैंने कमिटमेंट, और मेरा तो ये ना आए ऐसे ही चलती रहे, मतलब ये कंट्रोल्स ना आए, मैं वेबसाइट खुद ही चलनी चाहिए। उसके लिए आप ऑटो प्ले लिखते हो बट पता नहीं यहाँ पे काम क्यों नहीं किया उसने। ऑटो प्ले काम वैसे करता है बट स्टिल भी काम नहीं किया। रिफ्रेश करना चाहता ऑटो प्ले वीडियो HTML, अक्सर बात ब्राउज़र उसको एक्सेप्ट करता है, अक्सर बात नहीं करता है, लिखा इसी तरीके से जाता है ऑटो प्ले, ठीक है। इसमें आता हूँ यहाँ पे आप देखो ऑटोमेटिकली, इवन दो कंट्रोल्स मैं नहीं भी दूंगा फिर भी वो ऑटोमेटिकली क्लियर, बट वो मेरे पास भी मेरे सिस्टम में वो सपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन मेरे सिस्टम में सपोर्ट नहीं ना कर रहा, चल नहीं रहा हूँ, ऑटो प्ले नहीं चल रहा है। अच्छा तो ये आपने सिस्टम से चले किसी के सिस्टम में हो सकता है चले किसी में, एक बार तो उसके बाद एक वीडियो चल के ना आ रही है, अगली वीडियो आ जाती है, अगली वीडियो आ जाती है, उसके लिए आपको पूरा सिस्टम बनाना पड़ता है, वो PHP वगैरह के थ्रू वो इसमें पॉसिबल नहीं है। मतलब आप एक वीडियो बैकग्राउंड पे वो वीडियो चेंज होती है, वीडियो का टैग में अगली वीडियो का टैग आ जाता है, ठीक है, पेज एक ही रहता है। समझ लगी? ये सिनेरियो होता है। अच्छा बहरहाल इसमें मैं आता हूँ यहाँ पे, ये कहाँ पे थे? इधर थे, ये आ गई, ठीक है। इस चीज़ की जब लगी वीडियो की इसी तरह से, जिस तरह ये वीडियो लिखा हुआ है ना बिल्कुल इसी तरीके से आप यहाँ पे ऑडियो लिख दो तो ये कौन सा टैग बन जाएगा? ऑडियो, क्लियर है। यहाँ पे आप उसको SRC भी दे सकते हो, सोर्स, सोर्स के अंदर हाँ उसका जो भी नाम चाह जहाँ पर पड़ी है, ठीक है ना, बात आ गया। और इस तरीके से नीचे इस तरह लिखा है, इस तरह से भी दे सकते हो, ठीक है। बहरहाल मैं यहाँ से आपको कोई दिखा देता हूँ, ऑडियो मैंने ओपन किया हुआ है। अच्छा इसमें भी आप ऑटो प्ले वाला सिनेरियो कर सकते हो,
ठीक है ठीक है अगर एक ही वीडियो बार बार प्ले करनी है तो लूप लिख दो कोई शो बना दे कहां पे लूप ना रे बार बार एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उस एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उस एक बार जो मैंने अच्छा जी समझ लगी इस चीज की क्लियर ऑडियो का भी क्लियर हो गया सो आई थिंक आज के लिए काफी है इतना नेक्स्ट आगे चलते हैं अच्छा एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया वो ये कि ये जो ऑडियो है इसमें आप अगर कंट्रोल नहीं लिखोगे तो आप एग्जाम में कुछ इस तरह आएगा अच्छा ठीक है इसमें फिर आप अगर ऐसे चाहते हो फिर ऑटो प्ले कर सकते हो ऑटो अच्छा वो शो नहीं होगा कंट्रोल शो नहीं होंगे हाँ वेबसाइट खोल लीजिए फिर थोड़े हाँ हाँ ठीक है आप वो लगा सकते हो ये देखो रन किया जैसे वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हो यहाँ से डाउनलोड कर नहीं क्या प्ले बैक स्पीड है स्पीड वगैरह कर सकते हो अक्सर बार डाउनलोड की भी ऑप्शन आ जाती है अक्सर ब्राउज़र से पर आज के लिए इतना काफ़ी है नेक्स्ट हम जो है ना वो पढ़ेंगे CSS के बारे में कल तो पढ़ेंगे ही लेकिन CSS के बारे में पढ़ेंगे और इसका हम अप्रॉक्सीमेटली स्टार्ट करेंगे देख लेंगे कल कहाँ से हमने इसको स्टार्ट करना है क्योंकि इसमें से काफ़ी चीज़ें टेबल तो बड़े से लगे उसके बाद भी हम काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं देखेंगे कौन सा मैं आपको बताता हूँ किससे करना है अभी हमने उस दिन पढ़ा था ड्रॉप डाउन क्रिएट करना नैप बार क्रिएट करना उसमें हमने सब ड्रॉप डाउन क्रिएट करना सीखना याद है सब ड्रॉप डाउन क्रिएट करना सीखना अच्छा जी नंबर्स वाली वेबसाइट है ऊपर ड्रॉप डाउन नहीं वो मेन्यू बार नहीं लगा उसके अंदर मैंने बोला था ये ड्रॉप डाउन इसको ड्रॉप डाउन बोलते हैं इस पर क्लिक किया नीचे आ गया ये कर दिया हमने ये चीज़ नहीं ना की मैं भी तो ये कह रहा ये कल ठीक है ना ओके ओके